हम लोग जा रहे हैं दिल्ली हाट आईएनए एक्सप्लोर करने। हम पहले कुछ खाएंगे, फिर देखते हैं कि अगर हमें कुछ शॉपिंग करनी होगी तो। मोस्टली लोग यहाँ के मोमोज खाने आते हैं। हम लोग पंजाब का स्टॉल देख रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली पंजाबी अच्छा होता है। ऐसे है कि वो ऑडियंस बहुत कम है, तो बस बैठ के इतनी देर से खाए जा रहे थे और बातें करे जा रहे थे, हमारी बातें खत्म नहीं हो रही थी। यहाँ पर ऐसे जंग ज्वेलरी के बहुत ज्यादा स्टॉल्स हैं, ऐसे बहुत सारी कपड़ों की दुकान है, चिकनकारी कुर्ताज, बोहो प्रिंट्स, मतलब हाँ थोड़े इंडियन वाइब है यहाँ की। अब हमें कुल्फी का स्टॉल दिख रहा है, जब हमने सॉफ्टी ले ली थी हमें कुल्फी नहीं मिल रही थी। Hi guys, welcome back to my channel. I am Molly Katyal and if you guys are new here, please hit the subscribe button if you haven't already. So I am vlogging today because I am going to Delhi Hart INA. तो ऐसा है कि मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड के साथ बहुत टाइम से प्लान था कि हम लोग दिल्ली हाट INA जाएंगे एक्सप्लोर करने, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि कभी एग्जाम्स थे, कभी मेरी कोचिंग थी, कभी कॉलेज सोसाइटी का था, कभी मैं घर चली गई, तो बहुत टाइम से प्लान डिले हो रहा था। एंड इस वीकेंड आई वॉज फ्री, सो आई टेक्स्टेड हर कि चले यार चलते हैं, अपना प्लान फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली हाट INA एक्सप्लोर करने। आई हैव नेवर बीन देयर इससे पहले, शी हैज बीन देयर, तो उसने मुझे कहा था कि ऐसे ऐसे वहाँ पे है एंड वी शुड गो एंड एक्सप्लोर। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे एंड आई विल टेक यू गाइस अलोंग विद मी। मैंने खुद कभी नहीं देखा, आई विल एक्सप्लोर द मार्केट एंड आई विल ऑल्सो लेट यू गाइस सी कि वहाँ पे क्या क्या है। सो यार दैट्स द प्लान फॉर टुडे। आई जस्ट गॉट रेडी, मैंने बेसिक से मेकअप कर लिया है एंड आई टाइड माई हेयर इन टू अ पोनीटेल क्योंकि पहली बार My hair isn't behaving well today and दूसरा बहुत गर्मी है इसलिए। And I've also shot a get ready with me, so if you wanna watch it, go follow me on my Instagram, ID is mentioned right here and मैं वहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें डालती रहती हूँ, so go follow if you haven't already. I have left, I am on my way to the metro station और हम लोग INA metro station पर ही मिलेंगे, so yeah, let's go. हम लोग दिल्ली हाट INA पहुंच चुके हैं एंड मीट श्रेया। हाय। ये पहले आ चुके हैं दिल्ली हाट, तो मुझे लेकर आई है घुमाने के लिए। मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या चीज़, मुझे फ्री एंट्री मिलनी चाहिए, मैं इतना आती हूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या चीज़ कहाँ पर है, तो अभी हम बस अंदर जा रहे हैं देखते हुए क्या क्या है। यहाँ पर बहुत सारे कपड़ों के स्टॉल दिख रहे हैं मुझे फिलहाल अभी, और ज्वेलरी वगैरह के। हम पहले कुछ खाएंगे फिर देखते हैं कि अगर हमें कुछ शॉपिंग करनी होगी तो। वी आर जस्ट गोइंग देयर फूड के स्टॉल्स के साइड। हम लोग ये डिसाइड करें कि हमें क्या खाना है क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेट्स के स्टॉल हैं। आई गेस थोड़ा बताना चाहेंगे आपके यहाँ पे क्या खाना कैसे है। तो बेसिकली यहाँ पे सारे स्टेट्स के स्टॉल्स हैं, मोस्टली लोग यहाँ के मोमोज खाने आते हैं, बट हम दोनों वेजिटेरियन हैं तो वी विल थिंक अबाउट इट, देखते हैं। क्यों, चिकन मोमोज अच्छे हैं यहाँ के? हाँ। यहाँ पे था वो, ये बंद हो गया है, उधर है, इधर भी है और उधर भी है पंजाब का पीछे। यहाँ पे हुआ करता था ओपन में ऐसे। अच्छा, हम लोग पंजाब का स्टॉल देख रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली पंजाबी अच्छा होता है। वी आर एट पंजाब का फूड स्टॉल और देखते हैं कि हम क्या खाएंगे। लेट्स डिसाइड, ये इनका इतना बड़ा मेन्यू है, अब हम इसमें से डिसाइड करना है कि क्या खाना है। एक चिली गार्लिक नूडल्स, वेज चिली गार्लिक नूडल्स और दो फुल्के। सही है, नॉर्मल रिफ्रेशिंग ड्रिंक इतनी गर्मी में बुरा अच्छा तो लगता है। वो सब करके गेन कर लेते हैं और जो एक्चुअल डे कुछ क्रिएट करते हैं उनका नहीं होता है। कंटेंट ना लोग बहुत एंटरटेनमेंट के लिए कंज्यूम कर लेते हैं, ऐसे है कि वो ऑडियंस बहुत कम है। तो INA मार्केट में क्या है, मतलब दिल्ली हाट और INA मार्केट में क्या डिफरेंस है? INA मार्केट में इंडिविजुअल शॉप्स है, जैसे स्टेशनरी शॉप वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह, शायद नॉर्मल मार्केट है वो इस जगह का। अच्छा, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश टूरिस्ट स्पॉट है। अच्छा, टूरिस्ट स्पॉट है। हमने डिसाइड करा कि हम निकलेंगे, इसके बाद कुछ बात ही नहीं हुई। हाँ। तो मैंने सोचा एक बार पूछ लूँ फिर निकलूंगी, तो इसलिए फिर मैंने जरा कॉल किया तो मैं बैठ के वीडियो एडिट करूँ। हम लोग इतनी देर से बस वही नूडल्स खत्म नहीं कर पा रहे थे, उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा। प्राइस इज ओके, यहाँ पे प्राइस ऐसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है एंड ठीक थे क्वांटिटी प्राइस और उसके हिसाब से सब कुछ वाज फाइन। टेस्ट भी ठीक था, जैसे नॉर्मल हर जगह नूडल्स मिलते हैं उसी टाइप के ही नूडल्स थे, सो इट वॉज गुड। एंड हम लोग बस बैठ के इतनी देर से खाए जा रहे थे और बातें करे जा रहे थे, हमारी बातें खत्म नहीं हो रही थी। बस अब हम लोगों ने खाया है, अब हम देखते हैं। एक्सप्लोर द मार्केट। यहाँ की कुल्फी अच्छी हुआ करती थी एक टाइम पर, आई डोंट नो कि अच्छी है कि नहीं, तो लेट्स सी अगर हमें मिलती है देन
विल ट्राई कुल्फिया, सो लेट्स गो। यहाँ पर ऐसे जंग ज्वेलरी के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं एंड बहुत सारा कलेक्शन है इन लोगों के पास। ज्वेलरी है, मतलब नेक पीसेस हैं, इयर रिंग्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड क्वालिटी इज ऑल्सो फाइन रहा बता रही है उसने यानी पहले ले रखा है एंड प्राइस इज ऑल्सो ठीक, मतलब क्वालिटी के हिसाब से ठीक है प्राइस। ये जो पीछे एरिया है ये पीके मूवी में यूज़ करा गया है, शिवजी वाला कोई सीन था वो यहाँ पर हुआ था, पीके की शूटिंग हुई थी यहाँ पर। पे रियल पर्ल्स के बहुत सारे स्टॉल्स हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं जिन पे रियल पर्ल्स मिलते हैं, रियल पर्ल एंड रियल सिल्वर। तो रियल पर्ल और रियल सिल्वर यहाँ पर मिल रहे हैं, काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, तो ये भी एक चीज़ है जो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है जंग ज्वेलरी के साथ। ऐसे बहुत सारी कपड़ों की दुकान है एंड हाउ क्यूट इज दिस। कपड़ों के बहुत सारे स्टॉल्स हैं एंड देन बैग, चिकनकारी कुर्ताज, बोहो प्रिंट्स, मतलब हाँ थोड़े इंडियन वाइब है यहाँ की, तो सारे कपड़े वगैरह सब कुछ इंडियन वाइब में जो भी होता है वो यहाँ पर सब कुछ मिल रहे हैं एंड प्राइसेस आर स्लाइटली हायर। सॉफ्टी अब क्योंकि हमें कुल्फी तो नहीं मिल पाई है, अब हमें कुल्फी का स्टॉल दिख रहा है जब हमने सॉफ्टी ले ली थी, हमें कुल्फी नहीं मिल रही थी। यहाँ पर जूट की काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं जैसे जूट के बैग्स हो गई, जूट की ट्रेज हो गई एंड और भी एम्ब्रॉयड्रीड स्टफ, मतलब काफ़ी मिल रहा है, रग्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ऐसा कुछ भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो, एक्सप्लोर दिस मार्केट। मार्केट तो हमने देख लिया है, मार्केट में बेसिकली यही कि अगर आप कुछ इंडियन टाइप का कुछ भी शॉपिंग करनी है, जब जैसे इंडियन कुर्तीज़ हो गई या कुछ भी इंडियन टाइप का, तो आप वो देख सकते हो। और मतलब बेसिकली सब कुछ बहुत कल्चरल टाइप का है यहाँ पर, इफ़ आई एम राइट। और जूट बैग्स और ये सब वगैरह और ज्वेलरी और रियल पर्ल्स मिलते हैं यहाँ पर, तो ये सब। हम मार्केट के बाहर आ गए हैं एंड यहाँ पर भी छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और अगर आपको बहुत सारी जगहों के फूड एक्सप्लोर करने हैं अलग अलग जगह के, तो वो चीज़ यहाँ पर है कि आप यहाँ पर आके फूड एक्सप्लोर कर सकते हो, पंजाब, नागालैंड, बिहार और कौन कौन सी जगह है, सारे स्टेट्स की बेसिकली आप फूड एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पर आके। हमने पंजाबी खाया, हमने कुछ नया नहीं ट्राई करा, हमने उसी पे स्टिक रहे हम। बट इफ़ यू वांट ट्राई समथिंग एल्स और कहीं और का फूड, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी अपनी मेट्रो की तरफ एंड श्रेय इज गोइंग बैक, श्रेय से बाय लूँगी एंड आई एम गोइंग पिंक लाइन पे, सो बाय। सो आई एम बैक टू माई पीजी नाउ एंड दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। मैंने पूरा दिल्ली आर्ट एक्सप्लोर करा एंड आप लोगों को भी दिखाया जितना मैं दिखा सकती थी। वहाँ पे जो जो चीज़ें अच्छी मिलती हैं, आई हैव टोल्ड यू गाइस एंड दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। इफ यू गाइस लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दैट वुड मीन अ लॉट टू मी।